प्रदेश भर में संविदा पर नियुक्त लगभग 38,000 ग्राम रोजगार सेवकों ने वेतन वृद्धि सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ निखिल कुमार सिंह के नेतृत्व में चौथे दिन भी उपवास जारी रखा। उपवास के दौरान भारी संख्या में प्रदेश के ग्राम सेवक मौजूद रहे और मां का जागरण कर बकाया मानदेय के न मिलने का विरोध जताया। 9 दिन के लिए उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने उपवास कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों की सूची लेना भी मुनासिब नहीं समझा। जिला प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष निखिल कुमार सिंह, दयाशंकर सिंह, फारूक आजम अंसारी, विजय कुमार, पूजा सिंह, विजय लक्ष्मी सिंह, प्रतिमा पांडे, कंचन यादव सहित भारी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक भूपेंद्र कुमार ने कहा, सफल बनाने के लिए सारे कार्यों को जो इस तरह की आवाज हो, आवाज सब कुछ खत्म हो गया। आवाज में दम नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। कैसी आवाज है? ग्राम रोजगार सेवक संघ, ग्राम रोजगार सेवक संघ। अभी प्रयागराज आई है, अभी प्रयागराज आई है। संतोष जय ग्राम रोजगार सेवक। तो प्यास लगती है तो किसके पास जाती है? मालिक के पास। तो कैसे जाती है कहना है? अरे झूलता झूला कमैया के, झूलता झूला कमैया के, लाली पिया ग्राम रोजगार सेवकों की 8 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 10 अक्टूबर से लेकर के हम लोग यहाँ चौथे दिन आज उपवास पे बैठे हुए हैं। प्रमुख हमारी जो मांगे हैं, पहली मांग ये है कि जो ग्राम पंचायतें, नगर पालिका और नगर निकाय में शामिल हो गई हैं, वहाँ के ग्राम रोजगार सेवकों को दूसरी जो रिक्त ग्राम पंचायत है वहाँ पर समायोजित किया जाए। डबटेलिंग का शासनादेश जारी किया जाए। जो फर्जी प्रस्ताव के आधार पर ग्राम रोजगार सेवक हटाए गए हैं उनको बहाल करके उनसे योगदान लिया जाए। उसके बाद हमको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार से 8 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पिछले 4 दिनों से यहाँ पे उपवास पे बैठे हुए हैं, परंतु गोरखपुर जिला प्रशासन के द्वारा या जैसे भी हो लाइव इंटेलिजेंस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक हमारी खबर नहीं पहुँच पा रही है। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, अपने उनका संघर्षों का एक इतिहास रहा है, तो वह हमारी इन बातों को समझें, हमारे पदाधिकारियों को बुला करके वार्ता करें और जो समस्या है उसका निस्तारण करने का काम करें। आगे की रणनीति हमारा परसों सोमवार को हम यहाँ पे भिक्षाटन का भी कार्यक्रम करेंगे और उम्मीद है कि हम प्रयास करेंगे आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से हमारी वार्ता करें और हमारी बातों को समझें। उसके बाद भी हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो यह हमारा आंदोलन 18 तक यहाँ पर गोरखपुर में चलेगा। उसके बाद हम 1 नवंबर को प्रदेश के सभी जनपदीय मुख्यालयों पर चेतावनी रैली करेंगे और फिर 15 नवंबर 2018 को लखनऊ में अधिकार ग्राम रोजगार सेवकों को अधिकार दिलाओ महारैली हम करेंगे।